फिर आपने क्या करना है, इसी तरह सारे ब्रेड को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। क्रिस्पी करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, हाफ कप दूध लेंगे। हाफ कप दूध में जो है ना, हमने इसमें डालना है 2 से 3 कस्टर्ड पाउडर। वैसे अच्छा 3 डालने तो ज्यादा आता है, ये 3 टेबल स्पून आप कस्टर्ड पाउडर डालें। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और 2.5 कप दूध को अलग से आप बॉईल कर लें या 3 कप बॉईल कर लें, जैसा आपको ज्यादा बनाना है तो 3 कप ले लें। लेकिन मैं 3 कप ही लूंगी ना, चूल्हे में अच्छा रख दें, जब बॉईल आ जाए तो फ्लेम जो इसका ना लो कर दें, सही है। ताकि ये धीरे धीरे पकता रहे ना, थोड़ा पक जाए। फिर आपने कस्टर्ड में जो आपने वो हाफ कप दूध लिया था उसमें आपने डाला था कस्टर्ड 3 टेबल स्पून, उसको अच्छी तरह से बीट करके रख ले। जब दूध थोड़ा पक जाए तो उसमें ये हल्के स्लो हाथ से आप इसको डालते रहे डालते रहे डालते रहे, और इसको हिलाते रहे सही। अच्छी तरह से पक जाए। फिर जो है ना, इसमें जो है 100 ग्राम चीनी डाल दें, चीनी ऐड कर दें। सही जब दूध पक जाए ना, तो उसमें 100 ग्राम चीनी ऐड कर दें। सही है। चीनी जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें ना जो मिक्सचर तैयार किया हुआ है ना, इसका कस्टर्ड का, वो हम डाल देंगे इसमें, सही है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि गुठली ना बने। कस्टर्ड को 5 मिनट पकाने में, जब कस्टर्ड रेडी हो जाए ना, तब आप चूल्हा ऑफ कर दें, चूल्हा ऑफ कर दें। हाँ, सही। जिसमें बॉयल में अपने जो है ना डिजर्ट, जिस बॉल में आपने डिजर्ट को डालना है, गेस्ट के सामने रखना है या आपने अपने लिए रखना है, हाँ, तो आप उसी में आप ये ब्रेड जो आपने फ्राई किए ना बटर में, आप इसे रख लें, सही 4 रख लें या 3 रख लें, जितना उसमें एडजस्ट हो सके आप इस तरह से आप रख लें। सही। रखने के बाद आप उसमें जो कस्टर्ड हमने बनाया हुआ था ना, ये हमने उसके ऊपर ऊपर डालना है हल्के हाथों से। कस्टर्ड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा थिक हो जाता है ना बनने के बाद, तो सही। फिर ठंडा हो जाए, फिर आप उसमें कस्टर्ड को आप डालें। बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, थोड़ा नॉर्मल हो, आप उसमें डाल दें सही ब्रेड है के ऊपर। जब सही। ब्रेड के ऊपर डाल दें, फिर इसमें से फिर एक ब्रेड का पीस और उसी तरह से जैसे नीचे किया उसी तरह से ऊपर, और फिर दोबारा से ब्रेड लगाएं, स्लाइस को ना उसमें बिछा दें। फिर आप क्या करें, फिर कस्टर्ड आप डालें चारों तरफ फैला के। फिर आप क्या करें कि जब ये लगा देंगे ना, तो इसमें स्लाइस को ऊपर से डालेंगे। डबल लेयर भी आप लगा सकते हैं, सिंगल भी लगा सकते हैं, जितना आपको खाना। अगर एक ब्रेड पे भी, एक स्लाइस पे भी, अगर आप अपने लिए इसको बनाना चाहते हैं, तो आप अपने लिए भी इस तरह से एक स्लाइस में भी लगा सकते हैं। जी हाँ, इसको जो है ना, फिर जो आपने क्या करना, क्रीम को अच्छी तरह बीट करना, क्रीम लेना है, क्रीम को अच्छा अच्छी तरह से बीट करना है। व्हिप क्रीम हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि व्हिप क्रीम ना थोड़ा सा मीठा होता है, सही। तो वैसे हाँ मीठा। अगर आप क्रीम में शुगर डालना चाहें तो 1 टेबल स्पून डाल दें, और नहीं डालना चाहें तो आप ना डालें, शुगर पाउडर शुगर डालें, ठीक है, सही। वो मोटी वाली जो होती वो नहीं डालें। घर पे आप उसमें मिक्सी की जार में पीस लें या पिसा हुआ बाजार से ले लें, सही। जैसे भी वो कर लें। अब हम इसमें व्हिप क्रीम को ब्रेड जो है ना, ब्रेड कस्टर्ड के ऊपर में लेयर अच्छी तरह बीट कर लिया, सही। जब इसके फ्लैपी अच्छी तरह से हो जाए, तो फिर हम इसको जो है ना, उसके ऊपर जिसके ऊपर हमने कस्टर्ड डाला था ब्रेड के ऊपर, उसी के ऊपर हम अच्छी तरह से इसको ना बिछा देंगे, सही अच्छी तरह से बिल्कुल ना फैला देंगे। फिर सही। अपने मनपसंद की चीजें आप गार्निश के कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट से, टूटी फ्रूटी से, या फिर आप चॉकलेट से, जैसे जो चीजें आपको पसंद हो, जो अवेलेबल हो आपके घर में, वो आप उस पे कर सकते हैं। सही। तो ग्रेट करके आप जो है ना, चॉकलेट भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, जो पूरी तरह तैयार हो जाए तब आप इसमें जो है ना रखें, डालें ये चीजें। 4 से 5 घंटे के लिए ना आप इसको फ्रिज में रख दें, जब सारी चीजें हो जाए तो आप इसे ना फ्रिज में भी रख सकते हैं, ऊपर से रैपर जो है ना उसको चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दें, 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। जब अच्छी तरह ठंडा हो जाए ना, तब जी आप इसे कट करें पीसीस में, जैसे कि 3 इंच का पीस आप निकाल लें या 2.5 इंच का पीस निकाल लें, जितना आपको पसंद हो। जैसे आइसक्रीम नहीं निकालते हम इसको क्यूब्स के, उससे आप जो है ना उसको छुरी की मदद से काटें और जो है ना प्लेट में रखें और गार्निश करें। इसे गार्निश आपको करने का तरीका बताया कि आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, चॉकलेट भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, और आप जो है ना
इसको क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, पिस्ता बादाम से, जैसे आप प्लेट में रखे हैं काटे हैं फिर उसे निकाल लें, और उसमें जब आपने गार्निशिंग कर ली ना सारी चीजें, तो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए गेस्ट के सामने रखने हैं 2 से 3 या 4 चेरी। भाकोली के जेरे एहतमाम हैंडपंप प्रोजेक्ट पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जहां पानी की शदीद किल्लत है, अपने प्यारों के नाम से हैंडपंप सिर्फ $150 में लगवाएं। आपको पंप की तस्वीर, वीडियो और एड्रेस मुहैया किया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए बशीर कमर से 3476545685 या सलमान शेख से 5164584632 पे रब्ता करें।